अब तक के लैंटर्न वॉच के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कैसे फ्रैंकलिन को शापित शक्तियां मिल जाती है और शापित शक्तियों के साथ फ्रैंकलिन अब बन चुका था शापित लैंटर्न और सकुना और फ्रैंकलिन के बीच में एक घमासान युद्ध हो जाता है जिसके अंदर सकुना वहां से भाग जाता है। फ्रैंकलिन को सकुना की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जैसे ही वहां पे चला जाता है वो देखता है वो ट्रक जो कि फ्रैंकलिन के भाई फ्रैंकलिन ने छुपा के रखा था वो अब शापित मॉन्स्टर के हाथ में आ चुका है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और फ्रैंकलिन कैसे वैसे करके कर्स मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ शहर में शापित द्वार खुल चुका था जिसके अंदर से अनगिनत मॉन्स्टर आना बाहर आ चुके थे। अब आगे गाइज आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे वो द्वार यानी शापित द्वार खुल चुका है। समझ में नहीं आ रहा है अब ये शापित द्वार को बंद कैसे करूं और ऊपर से इसके अंदर से बहुत सारी शापित शक्तियां निकल रही है जैसे कि आप सब लोग देख सकती हो। अब इन सारी शापित शक्तियों को हम लोग कैसे रोकेंगे? इतने सारे मॉन्स्टर ये सारी की सारी आत्माएं अभी थोड़ी देर के अंदर अपना एक रूप ले लेगी और उसके बाद पूरे लॉसेंटोस के मासूम बच्चों को मार देगी। अब ये शापित द्वार हमारे शहर में एक कहर बन के आया है। समझ में नहीं आ रहा है अब यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने सारे लोग मारे जाएंगे। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब तो इनके बीच में मैं भी एक शापित लैंटर्न बन गया हूँ, मैं भी एक शापित पावर हूँ, अब क्या करूं? तुम भी एक शापित पावर बन गए, मेरे बारे में तो भूल ही गए फ्रैंकलिन। अरे ये क्या, तुम यहाँ पे गोजो, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे डीओ की तो ऐसी की तैसी हो गई थी, तुम कैसे ठीक हो गए? अरे वो छोड़ो, मुझे इसको देखने दो, बहुत दिनों से मैंने देखा ही नहीं शापित द्वार कहीं पे खुला हो। बहुत बढ़िया, इसको तो हम लोग रोकने से रहे लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। फ्रैंकलिन तुम इन सारी चीजों को हरा सकते हो लेकिन अभी तक तुमने शापित शक्ति की पावर्स को हासिल नहीं किया है, सही कहा ना? हाँ तुम बराबर बोल रहे हो, मैं इसको यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, एक तरफ शापित द्वार खुल चुका है, दूसरी तरफ सारे के सारे सकुना और उसके मॉन्स्टर्स हमारे अंडे लेके भाग गए जिसके अंदर मल्टीवर्स के हीरोज थे। अगर उसने वो सारी पावर्स यूज कर ली तो ये पूरा शहर दुश्मनों से शापित शक्तियों से भर जाएगा। बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें एक काम करना होगा, अब तुम्हें बहुत कम समय के अंदर सारी की सारी सकुना की उंगलियां खानी होगी। अब तुमने कितनी खाई है? अब तक तो मैंने एक खाई है, बताओ और कहाँ पे मिल सकती है? वो तो अब तुम्हें खुद को ही ढूंढना होगा और सारी की सारी उंगलियां गटक लेनी होगी, नहीं तो तुम लैंटर्न वॉच को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। क्या कहा, लैंटर्न वॉच? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता होता है। अगर तुम शापित शक्तियों को हराना चाहते हो तो तुम्हें शापित शक्तियों के साथ एक्स्ट्रा पावर भी चाहिए होगी और वो सारी शक्तियां मुझे मिलेगी लैंटर्न वॉच की मदद से, सही कहा ना गोजो? हाँ सही कहा, तुम तो धीरे धीरे मेरी तरह बन रहे हो। ओ साइड हटो, मुझे देखने दो शापित द्वार को। इसे देख के क्या करोगे? मैंने कभी ऐसी शक्ति देखी नहीं है इसीलिए। तुम्हारा मतलब है अब मुझे सकुना की सारी उंगलियां खानी होगी और सारी की सारी शक्तियों को यानी कर्स पावर अभिशाप की शक्तियों को ढूंढना होगा और उन्हें खाना होगा और उसके साथ मुझे लैंटर्न वॉच को भी ढूंढना होगा। हाँ ये दोनों शक्तियां तुम्हें चाहिए। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, तुम्हारे पास बस 10 घंटे है, उसके बाद ये तुम्हारा शहर बर्बाद हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, मुझे थोड़ा सा तो समय दो। तुम्हारी खुशखबरी के लिए मैं बता दूँ, ये सारी की सारी उंगलियाँ इसी शहर में कहीं पे गुम हो गई है, इतना मुझे पता चला है। क्या ये सारे शहर के अंदर मैं 10 घंटे में कैसे ढूंढूं? वो तुम्हें पहली उंगली बता देगी। पहली उंगली तो मेरे पेट के अंदर ही है। जल्दी करो जाओ। ओके जा रहा हूँ। अरे लेकिन शहर के मॉन्स्टरों को कौन रोक लेगा? मैं तो रोक सकता हूँ लेकिन अकेले का काम नहीं है ये। अब तुम्हारे साथ कौन आएगा? सारे एवेंजर्स को तो मैंने छुपने के लिए कह दिया है, अब वो बाहर नहीं आ सकते। ये क्या कर दिया बेवकूफ, अब क्या होगा? अरे यार इतने बड़े खतरनाक सिचुएशन के बीच में कॉल किसका आ रहा है? वेट अ सेकंड, एसपीडी दोस्तों। फ्रैंकलिन मैं एस्ट्रा बात कर रही हूँ, कैसे हो? हम हैं स्पेस पेट्रोलियम डिफेंस। और फ्रैंकलिन मैं हूँ आलोक, याद हो? आलोक एस्ट्रा एसपीडी के सबसे होनहार योद्धा। ये एसपीडी क्या है? तुम्हें बता दूँ ये एक स्पेस पेट्रोलियम डिफेंस टीम है जिसे बनाया था ग्रीन लैंटर्न ने, यानी मैंने ही बनाया था, लेकिन अब मैं एक शापित लैंटर्न बन गया हूँ। शापित लैंटर्न कैसे बन गए? एस्ट्रा ये बहुत लंबी कहानी है, क्या मैं तुम्हें जो लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ पे जाके तुम मॉन्स्टरों को रोक सकोगी? ओके हम कोशिश करेंगे। और उसी के साथ एक बंदा है जिसके कान के ऊपर, सॉरी कान के ऊपर नहीं है, वो क्या बोलते हैं, नाक के ऊपर भी नहीं है, उसका पूरा मुंह ढका हुआ है। बेवकूफ मेरी आंखें ढकी हुई है क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। ओके फ्रैंकलिन जो भी है उसे भेज दो। शुक्रिया स्पेस पेट्रोलियम डिफेंस टीम, मुझे बस समय दो, जितना समय दो सके उतना दो। फ्रैंकलिन अच्छे से जाना।
और सारी उंगलियाँ खा लेना, चबा चबा के और डकार भी मारना। ओके गोजो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे हो सकती है गाइस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ पे कोई ताकत महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन सी ताकत हो सकती है? लेकिन मुझे तो इस दुनिया में कहीं पे भी शापित उंगलियाँ नहीं मिल रही है। वेट अ सेकेंड, ये गोजो अधी अधूरी नॉलेज देता है, हमें इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए था। उंगलियाँ इसी शहर के अंदर है गाइस, लेकिन अलग मल्टीवर्स में। यहाँ पे मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है, एक बार काम करता हूँ इसके अंदर जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलो गाइस, मेरे हिसाब से तो हमारी जो उंगलियाँ है वो इसी दुनिया में अलग टाइमलाइन और अलग मल्टीवर्स में है। यहाँ पे हमारा फ्रैंकी अटका हुआ है। मेरे भाई फ्रैंकी, मैं आ रहा हूँ। ये क्या बेवकूफ, तुमने मुझे फिर से क्यों बुलाया फ्रैंकलिन? अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो ब्लू टेल। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मेरी पूरी ऑडियंस बोल रही है ब्लू टेल को अपने अंदर रखो, वो सारी शक्तियाँ तुम्हें प्रोवाइड करेगा। पागल हो गए, मैं नहीं करूँगा ये, कुछ भी हो जाए। गाइस आप लोग सब्सक्राइब करो और हम लोगों को 1 बिलियन तक पहुँचा दो, ये ब्लू टेल मेरे साथ ही रहेगा। ओ ये वाली डील थोड़ी सी अच्छी है, अगर 1 बिलियन हो सके तो मैं जरूर आऊंगा। अरे आ जाओ। नहीं, सब्सक्राइब करने बोलो। अरे यार अब क्या करूं। ओके गाइस, आप है ना 5000 प्लस लाइक करवा दो, ये आ जाएगा। ओके इससे मैं मान जाऊंगा। और हाँ, ऊपर से सब्सक्राइब भी कर दे रहा, 1 मिलियन के नियर है। आ जाओ ब्लू टेल। ओके आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ये क्या हो रहा है ब्लू टेल, हम दोनों कंबाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लगता है तुम्हारे अंदर जो शापी शक्ति आए वो मुझे आने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा। क्या इसके लिए तुम रेडी हो? हाँ मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, मुझे भेज दो मेरे भाई के पास। तो चलो चलते। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसी मल्टीवर्स के अंदर, लेट्स गो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, मेरा सर चकरा रहा है गाइस। कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? तुम पहुँच रहे हो फ्रैंकलिन। आउच आउच आउच, आ, 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 ये का ये क्या हो रहा है? कहाँ पे आ गया मैं? समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी रुक जा फ्रैंकलिन। कहाँ पे आ गया? वेट अ सेकेंड, यहाँ पे तो कोई शापित द्वार नहीं है। तुम आ गए, तुम्हें जहाँ पे आना था। ओह माय गॉड, मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे तो बहुत सारी सकुना की उंगलियाँ हैं। कहाँ पे है? वेट 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 वेट, लेकिन एक जगह के ऊपर मुझे जाना है, वहाँ पे मुझे बहुत सारी शक्तियाँ महसूस हो रही थी, मैं आ रहा हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं पहले आया था गाइस, लेकिन ये कौन है? इसी के बारे में मुझे हमारे यूनिवर्स में पावर महसूस हो रही थी, यही है वो। हेलो, तुम हो कौन और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, या तुम मेरे अंदर हो? तुम यहाँ पे आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सही कहा, तुम्हें मेरी पावर महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो मैंने तुम्हें दी है। मैं हूँ एक शापित गॉड, शापित शक्तियों का राजा। समझ में आया? क्या कहा? शापित गॉड, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरे दोस्त के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम्हारा दोस्त कौन है? भाई मैं हूँ इसका दोस्त। फ्रैंकी तू यहाँ पे? हाँ भाई मैं यहाँ पे, मैं आप के लिए यहाँ पे आया था और मैंने ही आपको ये पावर्स दी है। फ्रैंकी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुमने उस समय मुझे वो पावर्स नहीं दी होती मेरे भाई, तब मैं मर जाता। इसीलिए तो मैंने आपको पावर्स दिए और मैंने आपके लिए कुछ लाया है। ये देखो भाई, ये है वो चीज जिसकी आपको जरूरत थी। ओह माय गॉड, इतनी सारी सकुना की उंगलियाँ तुम्हें कहाँ से मिली फ्रैंकी? अरे यार वो शापित गॉड ने मेरी हेल्प की। यहाँ पे 14 उंगलियाँ मिलेंगी और एक तुमने खाई है, उसको मिला के 15 हो गई। मैं 5 और चाहिए, उसके बाद तुम फुल पावर एक्सेस कर पाओगे सकुना की, और उसके बाद उसी की पावर से तुम उसे हरा सकोगे फ्रैंकलिन। ये तो बहुत ही खतरनाक उंगलियाँ लग रही है और बहुत ही अजीब लग रही है। क्या मैं इन सारी उंगलियों को खा लूंगा? इन उंगलियों के ऊपर तो यार कितने सारे अजीबोगरीब शापी शक्तियाँ हैं। गाइस आप सब लोग देख रहे हो, ये रही वो शक्तियाँ, और मुझे इन सारे उंगलियों को खाना होगा और ऊपर से 5 और। रिहा भाई अगर आपको उसे गुना को हराना है तो, नहीं तो हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा। ओके फ्रैंकलिन तुम थोड़ा साइड हटो, अब मैं इन सारी उंगलियों को कंज्यूम करने जा रहा हूँ, मैं इन्हें खाने जा रहा हूँ, साइड हटो। ये बहुत घटिया है, खा नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने भाई को नहीं देख पा रहा हूँ। यही तो बुरी बात है, जो योद्धा होते हैं उन्हें कुछ भी करना होता है। मैं
क्या क्या खोया है एक राज्य बनाने के लिए, और उस किंगडम का मैं किंग हूं। मैंने अपनी उंगलियां तबाह कर दी, मेरा चेहरा खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है, मैंने बस इतनी खा ली, मेरा शरीर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मेरी भाई ये तीनों खा लो प्लीज। खाना होगा फ्रैंकली, मेरे शरीर के अंदर से बहुत सारे बमबारी हो रही है, फटाके फट रहे, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। जल्दी करो फ्रैंकली, नहीं तो तुम मर जाओगे। ओके, मैं खाने की पूरी कोशिश करूंगा। यम 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 यम। मैंने सारी उंगलियां खा ली, लेकिन मेरे अंदर से बहुत एनर्जी निकल रही है, तुम लोग दूर रहो। कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं होगा फ्रैंकलिन। ये एनर्जी अनकंट्रोलेबल है भाई, मरना नहीं चाहता। भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद वो सारी शक्तियों को कंट्रोल कर पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सारी शक्तियों को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन गाइस मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों मुझे कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, ये पावर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। ओह माय गॉड भाई, आप ठीक तो हो? समझ में नहीं आ रहा है फ्रैंकी, ये पावर मेरे अंदर क्या करना चाहती है। तुमने अभी तक 15 उंगलियां खाई है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, और अगर मैंने सारी उंगलियां खा ली तो मैं फट जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, कहां पे जाऊं, कहां पे जाऊं। तुम थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को। ओके, कंट्रोल कंट्रोल, मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये पावर्स को कंट्रोल करना होगा। ये सारी शापित पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मतलब कुछ नहीं। क्या क्या मैंने कंट्रोल करना सीख लिया भाई, क्या मैंने कंट्रोल कर लिया पावर को। ओह माय गॉड भाई, आपने क्या दिखाया। शुक्रिया फ्रैंकी, मैंने ये पावर कंट्रोल कर ली, आपका भी शुक्रिया शापित गॉड। तुम्हें बस अब 5 उंगलियां ढूंढनी है, और वो भी है पहाड़ों के पास, लेकिन वहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है मुझे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उसे अपनी पावर्स की मदद से देख लूंगा। फ्रैंकी, हम दोनों उसके बाद चले जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ से टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ अपने असली दुनिया में। ओके भाई, अपना ख्याल रखना। ओके, तो चलो गाइस, आखिरी 5 उंगलियां, और उसके बाद मैं शापित शक्तियों को फुल एक्सेस कर पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ पहाड़, यहाँ पे मुझे पता है पहाड़ कहाँ पे होंगे, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कौन खतरा हो सकता है, उसे हमें खत्म करना होगा। लेट्स गो गाइस, मैं उस लोकेशन के ऊपर आ गया हूँ, यही पे कोई तो एक खंडर सा घर है। ओके, इसी के बगीचे के अंदर मेरे हिसाब से वो 5 उंगलियां दफन की गई है। ओके, इसके अंदर जाके देखता हूँ, मुझे इसको खोदना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पावर्स चाहिए। ब्लू टेल, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अब चलो इधर खोद के देखो। ये हुई ना बात, इट्स टाइम टू पावर अप। बहुत समय के बाद मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ फ्रैंकलिन। ऐसी बातें, चलो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये क्या हो रहा है, मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन मुझे मिल गई सकुना की बाकी की 5 उंगलियां। चलो मैं इसको अपने घर के दुनिया का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बनूंगा और खत्म कर दूंगा सकुना को, क्योंकि उसने मेरे एवेंजर दोस्त को मारा है। खाऊंगा इसको, बहुत ताकत महसूस हो रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ, पागल हो रहा हूँ मैं, गाय जैसी शक्तियाँ, लेकिन मेरे बीच में कोई आएगा भी नहीं अभी। तुमने सकुना की उंगलियाँ खा ली, ये क्या, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या कहा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे सुकाना का, अब तुम गए सुकाना को सकुना की उंगलियां बचानी थी, तुमने उन्हें खा ली, अब तुम गए। हर बार का हो गया तुम लोगों का, तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, अब मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या नहीं, पीछे से काट दिया। सही कहा, मैंने तुम्हें हरा दिया एक ही झटके में, जैसे तुमने मुझे हराया था। सकुना तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। अब
आ गई है मेरे पास वो ताकत, वो शापित ताकत को मैंने फुल एक्सेस कर लिया है। अब ये बारी है जाके सकुना को खत्म करने की। सकुना मैं आ रहा हूँ। मेरे दोस्तों को तंग किया, मेरे दोस्तों का मुझसे छीन लिया। It's time to war. अब तुम्हारी सेना और मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा रहूंगा। देखते हैं कौन जीतता है, कौन रहता है, कौन मरता है। सकुना, मेरा नाम तो तुमने सुना होगा, नाम है शापी लैंटर्न। अपनी ताकत बढ़ा के मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हें खत्म करने के लिए। चलो भाई चलते, आ रहा हूँ। अरे ये लोग, तुम्हें और कोई कार नहीं मिली? ये खटारा कार क्यों लाई है? तुम थोड़ा चुप रहो एस्ट्रा। ये देखो, हमें इसको रोकना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नहीं यार, पूछ, मैं इससे डरती थोड़ी हूँ। हमें इससे नहीं लड़ना, हमें लड़ना है इनके मॉन्स्टरों से। चलो एस्ट्रा, क्या तुम रेडी हो? मैं रेडी हूँ इन मॉन्स्टरों को तबाह करने के लिए। अरे हम भी आ रहे हैं लोग। अरे हम भी आ रहे हैं, रुको, क्या कहा, हम लोग भी आ गए? अरे हाँ, हम भी तो लड़ने आ गए। और अब हमारे पास भी सूट की ताकत है। पुराने दोस्त बहुत साल बाद मिले। एसपीडी की टीम कंप्लीट हो चुकी है, स्पेस पेट्रोलियम डिफेंस टीम। क्या तुम रेडी हो ये शापित मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए? मैं तो लड़ रही हूँ। और लोग, तुम रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। चलो खत्म करते हैं इस शापित द्वार को और शापित मॉन्स्टर को। हमला, या। तुम लोगों को तो शापित द्वार के होने से इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन सोचो सकुना के पास कितने सारे शापित द्वार है। सोचो इतने सारे मैं पूरे शहर में छोड़ दूं तो कितनी बड़ी तबाही होगी। इसीलिए मैं बोल रहा था सकुना से दूर रहो। मैं अब ये सारे के सारे द्वार लॉस एंटोस में खोल के रहूंगा। इसके लिए भले कितने लोगों की जान देनी पड़े तो अभी चलेगा। या। तुम लोगों को एक युद्ध चाहिए, वो भी शापी शक्तियाँ और सकुना के बीच में, तो ये युद्ध होके रहेगा। सकुना अब खुद जंग में उतरेगा। आ रहा हूँ मैं अपनी सेनाओं के साथ और अपने ये बड़े बड़े शापित द्वार के साथ। देखते हैं सकुना को रोकेगा कौन। या।